घर से काम कर कर काबिलियत काफी बढ़ गई है तुम्हारी। ऑफिस में जितना काम करते हो उससे कहीं ज्यादा बेहतर तुमने घर से काम किया। गुड जॉब नाथ। थैंक यू सर। तो मैं चलूं सर? तुम्हें हमेशा जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? सर आज मुझे हाफ डे ऑफ चाहिए था। सर क्या पता था कि माँ बाप बनना कितना मुश्किल होता है। अभी तो बच्चा हुआ भी नहीं और हर रोज एक नई परेशानी शुरू हो जाती है। अब क्या हुआ? सर मेरी बीवी सर हर रोज फैलती ही जा रही है। एक तो पहले से ही काफी तंदुरुस्त थी, ऊपर से ना सर प्रेगनेंसी के बाद और फैलती जा रही है। ये देखिए सर, कुछ कपड़े लेकर आया था मैं उसके लिए, लेकिन फिट ही नहीं बैठ रहे। अब कहती है इन्हें एक्सचेंज करा के लेके आओ। ये देखिए सर, ये देखिए, अब इससे बड़ा साइज भला क्या होगा? मुझे तो ये भी पता नहीं कि इससे बड़े साइज के कपड़े बनते भी हैं या नहीं। मिस्टर नाथ आप बहुत लकी हो, आज मैं बहुत अच्छे मूड में, आपको छुट्टी देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन एक शर्त पर, आपको मेरा भी एक काम करना पड़ेगा। ठीक, कहिए सर। आप ये जो कपड़े लाए ना उसमें से एक कपड़ा मुझे दीजिए। कपड़ा ये, लेकिन कोई प्रॉब्लम है? नो सर, नो सर। इसके जितने भी पैसे अकाउंट डिपार्टमेंट से ले रहे हैं। जी सर, जी ये लीजिए सर। और हाँ, मिस खतरा को मेरे कैबिन में भेज दीजिए। जी सर। एक्सक्यूज मी मैम, बॉस बुला रहे। Come in. Sir, ये है वो लेटर जो आपने मुझे ड्राफ्ट करने के लिए कहा था। प्लीज गौर से चेक कीजिएगा, आपका हर एक लफ्ज इसमें शामिल है। शिकायत का एक भी मौका नहीं छोड़ा है मैंने। गुड जॉब ना। चलिए अगली डिक्टेशन शुरू करते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? वो क्या है ना, आपने तो मुंबई को ऑस्ट्रिया बना दिया है, तो बस ये ठंड की तैयारी करके आई हूँ मैं। आप दस क्या पांच पे डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। आप क्या कर रहे हो? ऐसे वैसे ख्याल दिमाग में लाना मत, मुझे तुम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। ये तो डिक्टेशन की तैयारी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन सा स्टेशन? मिस खतरा, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा प्राइवेट ब्यूटी पार्लर नहीं है कि तुम ये सब सामान यहाँ रखोगी। बाहर जाके जो करना है करो और ढंग से आके वापस काम करो। गो। यस सर। क्विकली। यस सर। क्या पकड़ पकड़ कर रहे, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। Yours sincerely,
क्या कर रही हो तुम? वो मैं मेरे कुर्ती के बटन। यस मिस खतरा, अब तो विश्वास हो गया ना कि तुम मोटी हो, कपड़े भी तुम्हारे फट रहे हैं। मैं मोटी नहीं हूँ। अगर तुम मोटी नहीं हो तो मैं सुपरमैन हूँ। कितनी खुशफहमी है तुम्हें अपने बारे में, पहले ये कुर्ती लूज थी और अब इसके बटन्स चीख चीख के कह रहे हैं कि रहम कर प्लीज अपने साइज का कुछ पहन ले। बटन्स भी खुदकुशी कर रहे हैं। रियली पहली बार देखा है एक्स हस्बैंड से इतनी शर्म। जिसके साथ बच्चा पैदा किया उसके साथ इतनी शर्म तो आई नहीं होगी ना। ढकलो ढकलो, मुझे वैसे भी कुछ देखना नहीं है। ताना मारने से बेहतर होगा क्या आप मेरी हेल्प कर दे कुछ पीछे मुझे ढकने के लिए। मैं इस कैबिन से बाहर गई ना तो आपका इनाम उछलेगा। मुझे पता था तुम्हारे आते ही कोई ना कोई मुसीबत तो तुम लेकर ही आओगी, इसलिए एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह मैंने ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन निकाल के रखा है। ये लो। That's not my problem. मैं कोई टेलर नहीं हूँ कि तुम्हारे साइज के हिसाब से बना के तुम्हें दे दूँ। तुम्हें पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना है मत पहनो। और बाहर मेरा कौन नाम उछालता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चॉइस तुम्हारी है। चलो अगर मैं डिसाइड कर भी लेती हूँ कि मैं ये पहनूंगी तो मैं इसे पहनूंगी कहाँ? उधर उधर जाके पहनो। क्या बकवास है, मैं आपके सामने नहीं पहनूंगी। आप ऑफिस से बाहर जाइए। अब बकवास तुम कर रही हो, ये मेरा ऑफिस है, मैं बाहर नहीं जाने वाला। मैं क्यों बाहर? मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तुम बाथरूम में जाके चेंज कर। वो वही वाला बाथरूम जो पूरा का पूरा गीला है, जो सुबह एक घंटे जब तुम बाथरूम में थे और तुमने पूरा बाथरूम गीला कर दिया था, उस बाथरूम में मैं चेंज करूं? ताकि मैं वहां चेंज नहीं कर सकती। गो आउट। ये जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना, इसे मेहरबानी कहते हैं। और जो तुम्हारी तेवर है ना, वो तुम अपने पास रखो। तुम्हारे पास तो वैसे कोई काम नहीं है करने के लिए, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें चेंज करते हुए देखने का। आप प्लीज बाहर जाइए। एक काम करो। नहीं, ओके नहीं। सर प्लीज। सॉरी, सॉरी, सॉरी। ओके, मैं जाती। अगर मैं मजबूर नहीं होती ना तो आपको मुंह तोड़ जवाब देती। हाँ तुम और मजबूर, ये जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुम्हें बहुत आदत है ना दूसरों की लाइफ में अपनी नाक घुसेड़ने का, अब भुगतो। और ये जो खोखली धमकी है ना जो तुम मुझे दे रही हो, वो अगली बार जितना हंसना है हंस लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक आपका डिक्टेशन खत्म हो चुका होगा। समझ सके आपने आपको? नहीं लेनी मुझे कोई डिक्टेशन, दिमाग खराब कर दिया है मेरा। नीनू शांत हो जा। नाइस कुर्ता नैना, कहाँ से खरीदा? वैसे सुबह तो तुमने कुछ और पहना था। क्या बात है, बॉस के कैबिन में जाने से पहले कुछ और, बाहर आते वक्त कुछ और। कहीं बॉस ने तुम्हारा अच्छा काम देख के तो तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया? नाइस चॉइस वैसे। हाँ वैसे आज तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है, जाकर अपना काम करो वरना बॉस से कहकर तुम्हें भी ये कपड़े दिलवा दूंगी। लीव। मिस्टर
मिस्टर राघव मेहरा, तुम इतनी आसानी से मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। अब देखना नैना पत्रा क्या करती है। वेट एंड वॉच। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।